नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में कभी हिजाब को लेकर तो कभी मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, अब मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया है। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रामनवमी को जो भी हुआ आप सभी ने देखा, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसे पूरे देश में हिंसा फैल रही है। लोग मस्जिदों के सामने जाकर नारे लगा रहे हैं। वही अब मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। पहले मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका जाता है, फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को व्यापार करने से रोका जाता है, उसके बाद अब मस्जिदों पर भी लाउड स्पीकर हटाने की बात कही जा रही है। ये कैसा कानून है, कैसी सरकार है जहाँ केवल हिंदूवादी लोगों के बारे में ही सोचा जाता है। दरअसल आपको बता दें, राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को प्रदेश के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 मई के पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाए। अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि राज ठाकरे को इतने महत्व देने की जरूरत नहीं है, जब सही समय आएगा मैं जरूर इसका जवाब दूंगा, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित किया, इसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत की और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की अपनी मांग को दोहराया। रैली में ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर शिवसेना के नेतृत्व वाले राज्य सरकार में 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो MNS कार्यकर्ता मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। दोस्तों, ये प्रथाएं आज की नहीं है, कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें मस्जिदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग लाउड स्पीकर लगाकर अजान करते हैं, लेकिन अभी तक उसे बंद करने के लिए किसी ने नहीं कहा था। लेकिन अब जब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हुई है, मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बात शुरू हुई है, तब से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह धार्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। क्या पहले किसी को भी इससे परेशानी नहीं होती थी? महाराष्ट्र में गरमाए गए लाउड स्पीकर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, राज्य सरकार अदालत के आदेश पर चर्चा करेगी और इसके बारे में गृह मंत्री दिलीप वासे पाटिल से बात करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।